इन 2 सालों में मेहनत कर ली, डॉक्टर बन गए, तो इतनी मेहनत नहीं रहेगी। जो मेहनत रहेगी वो रहेगी, मगर वो इतनी ऐसी खास नहीं है कि बहुत दिक्कत आए। तो यार जरा ध्यान दो अपना, पढ़ाई करते समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो यार, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो एक ही चीज होगी जो आप जानते हो, क्या? क्लिनिक के अंदर नहीं बैठोगे, क्लिनिक के बाहर बैठोगे, बस इतना सा हो जाएगा। मतलब डॉक्टर बन के नहीं बैठोगे, पेशेंट बन के बैठोगे। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक रिक्शा वाला बनना है, एक सब्जी बेचने वाला बनना है, एक ठेले लगाने वाला बनना है, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर बनना है, या किसी बैंक में काम करने वाले लोग बनने हैं, या डॉक्टर बनना है। तो ये आप डिसाइड करो। कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, मादा होना चाहिए, करके दिखाना है। वो कर रहा है तो मुझसे क्यों नहीं होगा, ये एटीट्यूड जिस दिन रख लोगे उस दिन तुम्हारी जीत हो जाएगी। क्योंकि तुम जब नहीं जीतोगे तुम्हें इस चीज पे चिढ़ मचेगी कि क्यों नहीं हो रहा है, और तुम उसके लिए और एफर्ट्स करोगे। एवरीवन कैन डू दैट, बट यू हैव टू लर्न मोर देन दिस। यही मेरा हमेशा ऑब्जेक्टिव रहा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं तुम्हारी जिंदगी 9th में रुकी रह जाएगी। जहां मैं भी कभी 9th में हुआ करता था, तुम भी 9th में आज हो, तो दोनों, हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? कोई टीचर आपके लाइफ में डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है, वो इंपॉर्टेंट है। 3 things इन लाइफ अगर आपके पास है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड विल पावर, ये 3 चीजें अगर आपके पास है तो आपको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारा IIT एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे तुम्हारा SSC का एग्जाम हो, तुम्हारा UPSC का एग्जाम है, इन सभी एग्जाम में एक बात जो कॉमन है वो है कि यू शुड हैव डिटर्मिनेशन, यू शुड हैव डेडिकेशन एंड यू शुड हैव विल पावर। हाँ, इस वक्त ये भी ध्यान रखो कि फालतू में टाइम वेस्ट ना करो। आपको सीखना है लोगों को नो कैसे करना है। कोई दोस्त फोन कर रहा हो भाई चाय पीने चलते हैं, साफ मुंह पे बोलो नहीं। ज्यादा क्या होगा, बुरे बनोगे ना, करियर अच्छा हो जाएगा, हजारों दोस्त और मिल जाएंगे। आई एम सॉरी टू से दिस, बट हाँ सच्चाई यही है, समझ रहे हो? बस पढ़ाई करो, बस पढ़ाई, पैसा होगा ना राफ चेक, मजे आएंगे। आप किसी की कोई बात ना सुनो। बहुत सारे बच्चे या लोग ऐसे होते हैं जो आपको आपके मार्ग से, मतलब पाथ से क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। अभी हमारे पास इतना सारा टाइम है कि आराम से सिलेक्शन होगा। आप बस अपना हार्ड वर्क करते जाओ, करते जाओ, बेस्ट प्लानिंग के साथ हार्ड वर्क करते जाओ, तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। देखो, किसी की नकल करके, आपने दूसरा गांधी देखा? नहीं देखा। दूसरा अब्दुल कलाम देखा? नहीं देखा। दूसरा सुभाष चंद्र बोस देखा? नहीं देखा। क्यों? जब आप किसी की नकल करते हो तो आप अच्छे हो जाते हो, मगर उस पीक को अचीव नहीं कर पाते हो कभी भी। प्रैक्टिस भी बहुत बड़ी चीज है, प्रैक्टिस भी बहुत करनी पड़ती है ना? नहीं तो बचपन में हम लोगों को साइकिल चलाना सिखाया तो गया था कि भैया देखो साइकिल कैसे चलाई जाती है, ये हैंडल है, ये पैडल है, इसको मारोगे, हैंडल सीधा रखना, बस चल जाएगी। मगर चलाया तो गिर पड़े, चलाया तो गिर पड़े, फिर धीरे 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 करके चलाना सीख लिया। तो हमारे हिसाब से समझदार इंसान वही होता है जो कम मेहनत करके रुतबे के साथ, ठीक है, अच्छी लाइफ बिताना चाहता है, या अपने परिवार वालों को भी अच्छी लाइफ देना चाहता है। तो कम मेहनत करने का मतलब यही है कि इन 2 सालों में मेहनत करो। तो मुझे भी दुख होगा कि यार यकीन तू में थे और यहाँ पे हो, इसका मतलब यकीन तू में मैंने क्या किया, मोटिवेट नहीं किया बच्चों को, या बच्चों को समझाया नहीं कि कब क्या करना चाहिए। तो यार देखो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी अपना काम करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो, वो तुमसे कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, या तुमसे ये कहेंगे कि अरे अगले साल करना। नहीं मेरे दोस्त, इस तरह के किसी भी दोस्त के चक्कर में नहीं आना है, या इस तरह के किसी भी व्यक्ति के चक्कर में नहीं आना जो ये कह रहा है कि तुमसे अभी नहीं हो पाएगा या अगली साल करना, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे हिसाब से समझदार इंसान वही होता है जो कम मेहनत करके रुतबे के साथ, ठीक है, अच्छी लाइफ बिताना चाहता है, या अपने परिवार वालों को भी अच्छी लाइफ देना चाहता है। तो कम मेहनत करने का मतलब यही है कि इन 2 सालों में मेहनत कर लो। तुम्हारा हर फैसला सही नहीं होगा, तुम्हें हर इंसान सही नहीं मिलेगा, हर सौदे में तुमको फायदा नहीं होगा, हर राह रोशनी की तरफ नहीं जाएगी।